राकेश रोशन जी बहुत ही सिंपल डायरेक्टर है, मैंने उनको बहुत ही इजी, बहुत ही काम डायरेक्टर पाया। विलन के रोल में ज्यादा है, आपने भी सोचा होगा यार मेरे को भी हीरो तो बनना चाहिए, इतना मैं अच्छा हूँ, सब बढ़िया है। गंभीर, जब इस तरह के रोल होते हैं जिस तरह ऋतिक ने किए हैं तो फिर वो अपने ही मूड में रहना पसंद करते हैं, उसकी एक रिक्वायरमेंट बन जाती है कि आप उसी मोड में रहो। तो सर कोई मिल गया फिल्म में आपने, आप इंस्पेक्टर खान बने, तो उसमें सर वो जादू ने स्पेस से धरती पे कसौली में स्पेसशिप उतारी, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी और हाइट इतनी बाहुबली जैसी है तो अंतरिक्ष से उसको आप ही दिखे बस इंस्पेक्टर खान, तो उसलिए उसने कसौली में स्पेसशिप उतारी। नहीं ऐसा नहीं होता। तो सर ऐसा नहीं होता, वो उतरा था, हमने छानबीन की थी, आपने जंगल में जाके पैर देख के छानबीन, पैर देखा, वो जगह जल जाती है, वो सारा ऐसा था सीक्वेंस। वो फिर उसमें से पता चलता है कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है कि कुछ लोग उतरे थे उनमें से एक वापस नहीं गया, तो ये छानबीन है, जरूरी नहीं है, तो क्योंकि मैं इंस्पेक्टर था तो छानबीन की गई। हम मेरे ख्याल हम दिखाते भी हैं जगह जहाँ उतरा था तो सब जली हुई थी, तो उसके पैरों के निशान मैं दिखा, क्योंकि मेरे हाथ में आती है, तो इस तरह वो लीड थी वो, तो उस तरह पता चलता है एक नहीं गया, तो दैट्स हाउ हम लोग उसको ट्रेस करते हैं कि कहाँ है वो, कौन है, तो दिस इज दैट दैट्स द स्टोरी, उस हिसाब से था वो। तो सर उसमें आपने ऋतिक रोशन और राकेश रोशन जी दोनों के साथ काम किया, क्योंकि एक डायरेक्टर थे और एक एक्टर थे, तो उनके साथ क्या रैपो, क्या बॉन्ड आपका बना, कैसा सब रहा, अगर आप कुछ बता पाएं। राकेश रोशन जी बहुत ही सिंपल डायरेक्टर है सर, वाई बट वाई, ये उनकी खूबी है, वाई सर खूबी तो है बट नहीं, हर एक्टर जो होता है उसकी एक अप्रोच होती है, मैंने उनको बहुत ही ईजी, बहुत ही काम डायरेक्टर पाया। कई बार तो जो मेरे और उनके में मैं था, उनको इस बातों में ये लगता है कि जो ज़रूरत है वो करो, अच्छा मैं ये करके दिखाता हूँ, ऐसा ऐसा नहीं, जो रिक्वायरमेंट है वो करो, तो वो बातों में मतलब कभी कभी बहुत से एक्टर कोशिश करते हैं तो कई बार उनकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। एक इंस्पेक्टर है उसको कितनी लिबर्टी हो सकती है, तो अगर हम सोच लेते हैं कि एक इंस्पेक्टर की अप्रोच इस तरह की होती है तो उसी तरह की करने की कोशिश की, तो उन चीज़ों में वो बिलीव करते हैं, तो कभी कभी उनकी बातों से भी लगता था कि एक्सपेरिमेंट बिना बात का कोई मतलब नहीं, अच्छा मैं इसको ऐसे करता हूँ, अच्छा ऐसे करता हूँ, नहीं तो जो थोड़ा सा बस समझाते थे वो वैसा ही कर दें तो इमीडिएटली ओके, तो वो एक उनका बहुत ही साधारण जो अप्रोच है टूवर्ड्स एक्टर, तो ये नहीं प्रेशर रहता है कि आप एक नामचीन डायरेक्टर या एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, ये फिर आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है, उसका असर नए लोगों पे बहुत अच्छा पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है, आप फ्री हो जाते हैं, तो वो क्वालिटी उनमें है। जी जी। और सर ऋतिक रोशन सर के साथ, उनके साथ कैसा सेम मूवी में एक्सपीरियंस, प्रीति जिंटा जी भी थी? हाँ प्रीति भी थी, हाँ कभी कभी खाना वाना शायद साथ में हम खा लेते थे, क्योंकि राकेश जी पसंद करते थे कि सब लोग साथ में खाए, हाँ खाए, गाड़ी दो गाड़ियाँ भी थी लेकिन सब साथ में खाए, ऐसा होता था, तो वो कभी खाना मौका मिलता था, बाकी रहता है कि इतना फ्री टाइम जो मेरे पास हो सकता है ऋतिक के पास ना हो, क्योंकि ऋतिक के सीन ज़्यादा होते हैं तो वापस इन्वॉल्व वो लोग होते थे, और थोड़ा सा जब इस तरह के रोल होते हैं जिस तरह ऋतिक ने किए हैं तो फिर वो अपने ही मूड में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि किसी करेक्टर को प्ले करते रहना और एकदम से डिफरेंट को करते रहना उसकी एक रिक्वायरमेंट बन जाती है कि आप उसी मोड में रहो, उसे बाहर ना निकलो, मतलब फट से ऋतिक ना हो जाओ, ये होता है एक्टरों के साथ में, तो वो जो उनका एक जो उसमें रोल दिखाया गया है वो वैसा ही था, इस वट नॉट स्ट्रेट रोल थोड़ा सा, तो मुझे लगता है उसमें उनका ध्यान वहाँ भी रहता था, लेकिन जब भी जहाँ भी आमना सामना होता था अच्छा से इज्जत से, वो आज भी कहीं मिल जाए हेलो हो जाती है। और सर हो सकता है बहुत टाइम से बात भी चल रही है कि वो आगे क्रिश 4 भी बनाए, तो हो सकता है हम आपको उसमें भी देख पाए कभी? यह बनाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक किस्म की ऐसी फिल्म है जो कभी भी आपको जेम्स बॉन्ड की तरह आगे ले जा सकती है, इतनी इस लेवल की तो है वो प्रोडक्ट, तो बनाते हैं, लेकिन उनका ये है राकेश जी का कि वो जल्दबाजी में नहीं बनाते, वो ये उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि जब जी चाहता है, जब कहानी उनको कुछ सुना तो है मैं कि इस तरह की बैठकें हुई हैं जिसमें शायद
तो उनका ये है कि जब चीज़ अच्छी बन जाती है, कुछ अच्छा दिखता है उनको, अच्छा बुन लेते हैं। तो तभी लोगों तक रश नहीं करते। तो ये उनकी खूबी है, क्योंकि हर तरह की तरह से वो स्टेबल हैं, तो ज़रूरत नहीं है उनको, ऋतिक के साथ ही काम करना है तो ऋतिक अवेलेबल है उनके लिए। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। सर, जैसे हमें पता है आपने शुरू में मॉडलिंग भी करी, आप बहुत गुड लुकिंग थे, अभी भी हैं, और हाइट बहुत अच्छी, रंग माशाल्लाह बहुत साफ, तो आपने सोचा नहीं सर, बाकी जैसे सब चाहते हैं कि मैं भी एज अ हीरो ही आता, हीरोइन को बाइक के पीछे बिठाता और वहाँ बर्फीले पहाड़ों में बाहें फैलाता, आप विलन के रोल में ज़्यादा है, आपने भी सोचा होगा यार मेरे को भी हीरो तो बनना चाहिए, इतना मैं अच्छा हूँ, सब बढ़िया है। गंभीर नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, और मैं फिल्मों में आने से पहले बहुत सारे रिस्क ले चुका था। सर प्लीज़ खुल के बताएं थोड़ा। मैं, मेरी फैमिली के बिजनेस था, बॉम्बे में भी था, जम्मू में भी था। जम्मू से मैं पढ़ाई वढ़ाई के बाद मैं बॉम्बे आ गया, तो मैं नहीं कर पाया फैमिली के साथ बिजनेस, हमारा काम था जो, तो बाहर चला गया। तो बाहर किया, वहाँ कुछ फैशन शोज़ किए, रहा, अब बाहर से फिर मैं वहीं पे आ गया। अब मेरे पास बिल्कुल वो नहीं था, क्या बोलते हैं, कि अब मैं कोई और रिस्क लूँ, क्योंकि ज़िंदगी ज़्यादा, कितने साल आप ये सोच के हो गए, अच्छा ये नहीं, ये कर लेते, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात ये थी कि मैं ईमानदार था उस फीलिंग को लेके जो मेरे अंदर थी, उसके अगेंस्ट जाने का कोई मतलब नहीं होता। वो कंफ्यूज तब होता अगर कहीं मेरे अंदर फिल्मी बैक ग्राउंड होता, या मैंने देखा होता, या मिला होता हीरोओं को, ऐसा नहीं था। तो मैं, जो मेरे अंदर एक पावर क्रिएट हो रही थी एज एन एक्टर, वो उसमें कहीं भी हीरो वाली बात नहीं आती थी, वो एक तरह की चीज़ की डेवलपमेंट मेरे अंदर हो रही थी, और उसके लिए मैंने कभी किसी को झूठ नहीं बोला। तो इसलिए कभी कभी जब मैं लोगों से मिलने जाता था, तो उनके ऑफिस में कन्फ्यूजन ज़रूर होता था, क्योंकि उस वक्त मेरा जो कम्बिनेशन था वो रेयर था फिल्मों के हिसाब से। मेरे छोटे छोटे बाल थे, और मेरी स्पोर्ट्स लुक थी, गालें मेरी अंदर जॉलाइन वैसी थी, और उस वक्त ना तो इस तरह के ये विलन होते थे, ना हीरो होते थे। हीरो मतलब ऐसे जुल्फ़ें ऐसे की उसने, और विलन भी बड़े बड़े बाल, और वो सब नहीं था। और मैंने उसको कभी कोई डिस्कस भी नहीं कभी किया, और कि ना ही किसी ने कहा कि जब जाओ तो ऐसे जाओ, कुछ नहीं जाओ। एक चीज़ तो तय थी, देखने वाले को लगता था कि ये आदमी एक्टर है, एक्टर मतलब होता ना कई बार, हाँ यार इसको काम, इसकी लुक से लग रहा है कि ये जानता है। अब ये कहाँ फिट होता है ये उनको समझ में नहीं आता था, ना तो हीरो के हिसाब से देख पाते थे, ना विलन के हिसाब से। तो मेरे को ये चीज़ें बाद में आस्ते आस्ते पता चली, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, जो था मेरे पास वही करता रहा, उसी की भूख मेरे अंदर थी, उसी की आग मेरे अंदर थी, मैंने उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, और आज भी मुझे फील होता है आई डिड द राइट थिंग। यस टोटली, हमेशा आप एवरग्रीन रहे, एकदम कॉन्स्टेंट रहे। देखो क्या होता है, आप जब खुद ही पाले बदल लोगे ना, फिर प्रॉब्लम आती है, कहीं आपको स्थिर रहना पड़ेगा। कोई इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि एक पर्टिकुलर तरीके का हीरो होता था, आज तो सारी डेफिनेशंस ख़त्म हो चुकी हैं, इसे सिंपल ना, एक्टर कोई भी हो सकता है। तो वो जो चीज़ें थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी, और अल्टीमेटली क्या होता है, आपको किसी ने चूज़ करना है, फिर वो तैयार करेगा, आपके ऊपर पैसा खर्च करेगा, तो ये सोच से, उनकी सोच से आपकी सोच मैच नहीं हो सकती। अगर आप उल्टा सोच रहे हो तो बेटर ये है कि जो लेने वाला वो सोचे आपके बारे में कि ये किस में फिट होगा, उस मोल्ड में चले जाओगे तो बेटर रहोगे, बेटर। क्योंकि आपके पास हक नहीं है कि जो ख़रीदने वाले वो नहीं जी मैं तो ये करूँगा, तो करिए, हो सकता है फिर आपकी किस्मत कहाँ ले जाए आपको, हो सकता है अच्छा हो जाए, हो सकता है लेट हो जाए। तो वो सब चीज़ें करने का मेरे पास ना तो कोई सोच नहीं थी मेरे पास ऐसी,
कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं था कि मैं डांस भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं था। तो जो हो रहा था उसे एक्सेप्ट किया, और वही मुझे जो ऊपर वाले ने, जिसे किस्मत कहते हैं, उन्होंने वैसा ही मुझे वो करवाया। सो मुझे लगता है आई डिड द राइट थिंग। यस 100% आप उसमें सक्सेसफुल हुए, बिल्कुल।